दोस्तों आज मैं आपके साथ बहुत ही स्वादिष्ट कालाकंदी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और ये सिर्फ दो चीज़ों से, दूध और चीनी से बनकर तैयार हो जाती है। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी, सॉफ्ट, एकदम मुँह में घुल जाने वाली है ये मिठाई। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शीला, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द हुमी मिल्स में। तो दोस्तों, कालाकंद की मिठाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर फुल क्रीम वाला दूध लिया है। तो सबसे पहले इस दूध को हमें गर्म करना है और फिर हम इसका पनीर बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक पतीला ले लिया है, इस दूध को हम इसमें डाल देंगे। तो अब गैस के फ्लेम को ऑन कर लेंगे और फ्लेम को हमें यहाँ पर मीडियम टू हाई पर करके रखना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे हमें लगातार चलाते हुए इस दूध को हमें अच्छे से पकाना है, इसमें एक अच्छा सा बढ़िया सा उबाल आने तक। तो अब यहाँ पर इस दूध को पकाते हुए हमें 2-3 मिनट हो गया है और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूध में बहुत अच्छा सा उबाल आ गया है, दूध बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद और इस दूध को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, मैंने यहाँ पर इसे 2 मिनट के लिए ठंडा कर लिया है। तो अब इस दूध को फाड़ने के लिए, यानी कि पनीर बनाने के लिए, मैंने यहाँ पर नींबू का जूस लिया है और इस नींबू के जूस को हम इसमें डालते जाएंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस जूस को इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और थोड़ा थोड़ा करके आप डालते जाइए और इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये दूध यहाँ पर फटने लग गया है और इसमें से जो पनीर है एकदम अच्छे से अलग होने लग गया है। तो अब यहाँ पर ये जो है हमारा पनीर एकदम बढ़िया से तैयार हो गया है और अब हम इसे चलिए छान लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक छन्नी ली है। अब इसके ऊपर हम एक कॉटन का कपड़ा रख देंगे और इस फटे हुए दूध को हम इसमें डाल देंगे। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे ठंडा पानी, जिससे जो नींबू का खटास और इसका जो फ्लेवर होता है वो अच्छे से इसमें से निकल जाए और ये अच्छे से साफ हो जाए। और अब इस पनीर के पोटली को हम इसमें से इसका पानी निचोड़ देंगे और इसे हम इसी छन्ने के ऊपर रख देंगे, जिससे कि इसमें से जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से छन जाए। और ये जो बचा हुआ पानी है इसे आप फेंके नहीं, इसे आप दाल, सब्जी या फिर आटा गूंथने में आप इसे यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर इस मिठाई के लिए 1 लीटर फुल फैट वाला दूध मैंने और ले लिया है। इस दूध को मैंने यहाँ पर इस पैन में डाल दिया है। तो अब इस दूध को हमें बहुत अच्छे से गर्म करना है, एकदम गाढ़ा होने तक। तो गैस के फ्लेम को हमें यहाँ पर मीडियम टू हाई पर करके रखना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे हमें लगातार चलाते हुए इसे हमें अच्छे से पकाना है, जब तक कि ये दूध हमारा गाढ़ा होकर आधा ना हो जाए। तो इस दूध को आप लगातार चलाते हुए इसे आप गाढ़ा कर लीजिए और इधर ये जो किनारों पर मलाई लग जाती है इसे इस तरह से निकालते हुए इसी दूध में मिक्स करते जाइए। तो जब तक इधर हमारा ये दूध गाढ़ा हो रहा है, इधर हम पनीर देख लेते हैं। तो इस पनीर को हम इस कपड़े से निकाल लेंगे और इसे हम हाथों से अच्छे से मैश कर लेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पनीर हमारा कितना बढ़िया एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो अब इस पनीर को हम हाथों से अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो इसे आप फोक की सहायता से भी इसे आप मैश कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये पनीर हमारा बहुत अच्छे से मैश हो गया है और इधर यहाँ पर इस दूध को पकाते हुए हमें 6-7 मिनट हो गया है और आप देख सकते हैं ये दूध हमारा बहुत अच्छे से गाढ़ा हो गया है और गाढ़ा होकर आधा हो गया है। तो अब ये मैश किया हुआ पनीर हम इस दूध में डाल देंगे और इसे इसमें डालकर इसे बढ़िया से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और आँच को हमें यहाँ पर धीमा करके रखना है और धीमी धीमी आँच पर इस मिक्स को हमें पकाते रहना है गाढ़ा होने तक। तो अब यहाँ पर ये जो है मिक्स हमारा गाढ़ा होने लग गया है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। तो मैंने यहाँ पर 100 ग्राम के करीब चीनी लिया है, इसे हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा डाल सकते हैं और चीनी यहाँ पर हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है। तो अब यहाँ पर चीनी इसमें बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है और ये मिक्स हमारा थोड़ा सा पतला हो गया है, तो इसे हम गाढ़ा होने तक अच्छे से पका लेंगे। और इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे, मैंने यहाँ पर 3-4 इलायची के दाने को कूट लिया है, इसे हम इसमें डाल देंगे। इससे इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। तो अब यहाँ पर इस मिक्स को पकाते हुए हमें 3-4 मिनट और हो गया है और आप देख सकते हैं ये मिक्स हमारा बहुत अच्छे से गाढ़ा हो गया है। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है। अब हम गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे हम जमा लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये ट्रे ली है, इसके ऊपर हम अच्छे से घी लगा देंगे और ये तैयार किया हुआ मिक्स हम इसमें डाल देंगे और इसे डालकर इसे हम अच्छे से सेट कर लेंगे। तो जितना आपको थिक रखना है उसी हिसाब से इसे आप सेट कर दीजिए।
तो यहाँ पर कलाकंद को मैंने जमा दिया है, आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर बारीक कटे हुए पिस्ते और बादाम की कतरन से इसे हम गार्निश कर देंगे। तो यहाँ पर कलाकंद को मैंने अच्छे से जमा दिया है, आप देख सकते हैं। इसे हम 1 घंटे के लिए रख देंगे सेट होने के लिए फ्रिज में। जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा तब हम इसे कट करेंगे। तो अब यहाँ पर ये कलाकंद हमारा बहुत अच्छे से जमकर सेट हो गया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे हम कट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके काटने से ही आपको पता लग रहा होगा ये कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं इसे, ये देखिए। तो फ्रेंड्स इसके पीस आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा जितना आपको रखना है उसी के हिसाब से इसे आप काट लीजिए। तो दोस्तों अब यहाँ पर ये हमारी कलाकंद की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, एकदम सॉफ्ट, दानेदार, मुँह में घुल जाने वाली मिठाई बनकर तैयार है खाने के लिए। यकीन मानिए बाजार से भी कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार हुई है ये। तो दोस्तों इस रेसिपी को घर में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आज की हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं इसी तरह से एक दूसरी रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।